आज हम इस तरह के क्रिस्टल मोती के कंगन बनाने वाले हैं जो हम ठाकुर जी को बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए कंगन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इस तरह के दो कलर के ग्रीन और रेड येलो कलर के और पैरोट ग्रीन कलर और इस तरह की गोल्डन पारी लेंगे। हमने सारे क्रिस्टल मोती लिए हैं सिर्फ गोल्डन पारी के छोड़कर। इस तरह से पहले एक गोल्डन पारी लेंगे और उसे लॉक कर देंगे इस तरह से। हम सुई और धागे से बहुत ही आसानी से कंगन बना सकते हैं। सबसे पहले एक रेड, एक गोल्डन और तीन पैरोट ग्रीन लेंगे और फिर से एक गोल्डन लेंगे, एक रेड और एक गोल्डन, फिर से तीन पैरोट ग्रीन लेंगे और एक गोल्डन और एक रेड लेंगे इस तरह से। अब हम एक गोल्डन मोती लेके जो हमारा रेड मोती है उसमें से हम सुई निकालेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से एक गोल्डन और तीन पैरोट ग्रीन और एक गोल्डन और जो हमारा बीच वाला रेड मोती है उसमें से हम निकलेंगे इस तरह से। फिर से एक गोल्डन और तीन पैरोट ग्रीन और एक गोल्डन और रेड में से होके गोल्डन में निकल जाएंगे लास्ट वाले में और जो गोल्डन लास्ट वाला है उसमें हम इस तरह से गांठ लगा देंगे। तो हम सुई धागे से बहुत ही आसानी से कंगन बना सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी वायर की तार की ज़रूरत है और ना ही किसी और साधन की ज़रूरत है। हम इस तरह से सुई से आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह का हम दूसरा भी बनाएंगे और ये कंगन हम गम से चिपका सकते हैं। फिर से हम दूसरे कंगन बनाएंगे। सबसे पहले एक गोल्डन मोती लेंगे और इसे इस तरह से सुई डाल के मोती को लॉक कर देंगे। अब हम एक ग्रीन लेंगे, एक गोल्डन, एक येलो, एक गोल्डन, फिर से एक येलो और फिर से एक गोल्डन मोती लेंगे इस तरह से। फिर से हम एक ग्रीन मोती लेंगे और एक गोल्डन, एक येलो, एक गोल्डन, फिर से एक येलो और फिर से एक गोल्डन मोती लेंगे इस तरह से। अब हम फिर से एक ग्रीन मोती लेंगे और लास्ट में गोल्डन मोती। और अब एक गोल्डन मोती छोड़ के ग्रीन में से निकलेंगे इस तरह से। अब हम फिर से एक गोल्डन, येलो, गोल्डन, येलो और गोल्डन लेंगे और जो बीच वाला ग्रीन मोती है उसमें से निकल जाएंगे। फिर से एक गोल्डन, एक येलो, एक गोल्डन, एक येलो और एक गोल्डन लेंगे और जो आगे वाला हमारा ग्रीन मोती है उसमें से हम निकल जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी दूसरी कंगन भी रेडी हो गई है। लास्ट वाले मोती में जाके हम गांठ लगा देंगे। अब हम धागा कट कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा कंगन तैयार हो गया। अब हम इसके जैसा ही दूसरा कंगन बनाएंगे जिससे हमारे दोनों कंगन की पैर बन जाएगी। तो हमारी पैर तैयार है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से सुई और धागे से
हम कंगन बना सकते हैं और ठाकुर जी को पहना सकते हैं। ये कंगन बनाना बिल्कुल आसान है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।